अम्लीयता घटेगी और पीएच मान बढ़ेगा। अपना राइट आंसर ये हो जाएगा कि अम्लीयता बढ़ती है और पीएच मान जो है कम होता चलता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटा एसिड के रूप में किया जाता है? एंटी एसिड मतलब अम्लीयता, पेट की जो अम्लीयता है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम नहीं था, तो इसमें आंसर आया था सोडियम हाइड्रोक्साइड आया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड आया था, और आया था सोडियम कार्बोनेट आया था, और ऐसे ही रिलेटिव थे कुछ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका शायद राइट आंसर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन आया था कि किसी भी चालक के आयतन में कोई परिवर्तन किए बिना उसकी लंबाई को 25% बढ़ा दी जाती है तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब इसमें ये प्रतिशत, ये इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन था ये वाला। इसमें भी कुछ ऑप्शन जैसे थे, मैं बताऊँ आपको तो 2.8 करके कुछ था ऐसा शायद, और दूसरा जो था वो था 56.265% था, और एक था अपना शायद 6.25 करके कुछ था ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आया था, ये मैथ का क्वेश्चन है कि एक कैप्सूल की लंबाई में, लंबाई 16 सेंटीमीटर है, उसमें दो अर्ध गोले जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो कैप्सूल का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अपन एक कैप्सूल बनाएंगे सबसे पहले, ये कैप्सूल बन गया, इसमें ये दो गोले लगे हुए हैं अर्ध गोले, उसकी कुल लंबाई 16 सेंटीमीटर दी है, तो अपन यहाँ से ये त्रिज्या इनकी तीन तीन है, आर तीन है, इधर भी आर तीन है, तो तीन तीन इधर से कम कर देंगे तो बेलन मिल जाएगा अपन को। बेलन, ये दो गोले आपस में जोड़ दिए, ये कटे हुए हैं जो, और ये अपना बेलन हो गया। तो बेलन कितने का रह गया अपने पास, 10 का, और ये त्रिज्या इसकी आर है 3। तो इसमें अपन सूत्र लगा देंगे, गोले का सूत्र 4/3 πr³, आर क्यू का मान 3 × 3, 3 से 3 कैंसिल, 9 × 4 = 36 π। अब इसमें बेलन का सूत्र लगा देंगे, πr², आर का मान अपना 3 r² 10, एच 10 दिया है क्योंकि जो लंबाई होती है वो इसकी ऊंचाई रहती है, तो ये 3 × 3 = 9 और 90, तो अपना आ जाएगा 90 π + 36 π। ऐड करने पर अपन को मिलेगा 22/7 6, ये मिलेगा 7 से काटने पर 7 × 7 7 × 8 56 इंटू करेंगे तो 396 प्राप्त होगा जो इसका आंसर था। एक क्वेश्चन ये था कि एक नाप की चाल 25 किलोमीटर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर हो तो 112 किलोमीटर अपन को धारा की दिशा में चलने पर और 44 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने पर समय एक्स लगता है, एक्स समय लेती है, और 112 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने पर और 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पर बाय समय लेती है, तो एक्स प्लस वाई का मान बताइए। तो इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं, तो ए अपनी हो जाएगी 25 जो कि नाप की धारा है, बी अपन सॉरी नाप की चाल है, और बी इसकी धारा की चाल है, 25 + 3 ये धारा की दिशा में, और फिर ये विपरीत दिशा में गया था एक बार, 25 + 3 फिर विपरीत दिशा में धारा की दिशा में 28 ऐड करके लग दी डायरेक्टली, और ये विपरीत दिशा में। अब इनको जो भी ये जो काट पीट के जो भी आएगा ये आ जाएगा अपना 975/77, इसका आंसर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, और आप चेक कर लेना।
एक क्वेश्चन ये आया था, एक टावर जिसकी ऊंचाई 100 सेंटी 100 मीटर है, दो जहाज, एक 45 डिग्री का कोण और दूसरा 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपन जैसे इसे सॉल्व करके देखते हैं, तो बीच में एक टावर है, एक 30 डिग्री का कोण बना रहा है और एक 45 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इनके बीच के इसकी जो हाइट है, इसकी टावर की 100 मीटर हो जाएगी, तो इसमें लगेगा 10 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब आधार एक्स, 10 30 का मान अंडर रूट ये हो जाता है, तो अपना मान एक्स बराबर आ जाएगा 100 300। अब दूसरे जांच का मान ज्ञात करेंगे, 10 45 रखा हो जाएगा वहां पर, 10 45 लंब बटे आधार आधार एक्स, 10 45 का मान 1 100 बटे x, तो x का मान आ जाएगा 100। अब दोनों का योग कर लेंगे क्योंकि एक इधर का दोनों को ऐड कर लेंगे, तो दोनों x को प्लस करेंगे, तो एक अपना मान ये आया और एक अपना ये आया, तो इसका अपन ऐसे जोड़ने के लिए अब इसका मान लेंगे अपन 1.73 के समथिंग, इतना मान लेंगे इसका केवल, ये इसका मान होता है अंडर रूट 3 का, इसका गुणा कर देंगे 100 से, तो ये दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ा के, ये कट जाएगा, 173 बचा और 100 ये है, तो 273 इसका आंसर आ गया था ऐड करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हिस्ट्री से था, एर्नाकुलम सॉरी बर्नाकुलम एक्ट प्रेस एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ, ये था 1878 था इसका आंसर। नेपाल गणराज्य के कब बना, गणराज्य या स्वतंत्र कब हुआ ऐसा कुछ था, इसका शायद आंसर 2008 है। और इससे एक और था, जैसे कि इससे एक और अपना थोड़ा टप करके दिया था उनने डीप से, कि नेपाल में राज्य व्यवस्था को जो उसका राजा था उसकी हत्या की गई थी 2001 में, ऐसा था ये फर्स्ट में, और सेकंड उसका लिखा हुआ था एक और, कि इसमें जो यहाँ पर लोकतंत्र बना था वो कैसे बनाता है, ऐसा कुछ कुछ करके था, तो एक वो था नेपाल से। और एक और अपन से पूछा था, जम्मू कश्मीर का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है, तो इसमें नृत्यों के नाम दिए थे और शायद दम हुल नाम का कुछ नृत्य था इसका, दम हुलता या दुल हुमता ऐसा कुछ था, दम हुलता शायद, दुल हुलता शायद, दुल हुल ऐसा कुछ था शायद, दुल हुल करके इसका शायद राइट आंसर था। सती प्रथा का अंत किस सन में हुआ, सती प्रथा का किस सन में हुआ ये क्वेश्चन आया था, तो सती प्रथा का अंत 1829 में। दर्पण और लेंस से अपने क्वेश्चन ऐसे थे कि जैसे कोई कोई लेंस है जो 2.5D है और सेकंड लेंस जो 2.5-D है, दोनों के बीच की दोनों के बीच में एक वस्तु है जिसकी दूरी 0.5 मीटर है और इसको वक्रता से इसकी फोकस दूरी शायद 1 मीटर थी, 1 मीटर थी, तो बताइए लेंस के बीच की दूरी इसकी क्या होगी, मतलब लेंस से वस्तु की दूरी क्या होगी, ऐसा कुछ करके था। और ऑप्शन में था इसका, ऑप्शन थे अपने जैसे 2.06 था, 1.98 था, और ऐसे करके और कुछ क्वेश्चन थे, तो ये लेंस से रिलेटिव ऐसा क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि उत्तल दर्पण सॉरी उत्तल लेंस पे फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कैसा पृथ्वी में बनता है, वास्तविक उल्टा था या वस्तु के आकार के समान, वस्तु के आकार से बड़ा या वस्तु के आकार से छोटा, ऐसा आंसर था उसका, उसके ऑप्शन थे।
अब एक क्वेश्चन आया था कि दो वृत्त जिनके आकार या क्षेत्रफल लगभग समान है और दोनों के केंद्र, जैसे अपन क्वेश्चन वो थोड़ा समझ में नहीं आया, क्वेश्चन ऐसा था लेकिन कि दो वृत्त हैं, इनके ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र मान लो ओ ओ, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे थे, तो इनके बीच की एक केंद्र के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर थी, केंद्रों के दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर थी। तो बताइए वृत्त का व्यास क्या होगा, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी केंद्र से 12 है, तो 12 12 24 इसका शायद आंसर हो जाएगा, ऐसा ही करके था। आवर्त सारणी में से आया था एक क्वेश्चन के, आवर्त सारणी में किसी तत्व का एक्स की घात -3 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए कि वह किस समूह से संबंधित है, वह किस समूह से संबंधित है। तो एक्स -3, तो इसके ऑप्शन में दिया हुआ था अपन को, 15 दिया था, 16 दिया था, 18 दिया था, और एक और शायद 5 7 के बीच में कुछ था, ऐसे ही कुछ था। तो अपन जैसे 18 की 18 ग्रुप पे इस पे 0 होता है, 17 पे 1 होता है माइनस, सॉरी 17 पर -1 होता है, इस पे -2 होता है, और इस पर -3 होता है, तो अपना 15 ग्रुप इसका सही हो जाएगा आवर्त सारणी से। विद्युत अपघटन की क्रिया में धातु को शुद्ध करने पर क्या प्राप्त होता है, विद्युत अपघटन की क्रिया से जैसे कि उसके कैथोड पर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है, एनोड पर क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीकरण होता है या क्लोरीन बनती है, ऐसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, उसमें ऑप्शन में था जैसे अपना लाइसोसोम था, राइबोसोम था, रसधानी थी, और एक और शायद कुछ था, तो उसमें अपना राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S प्रकार के प्रोकैरियोट कोशिकाएं 70S प्रकार के पाए जाते हैं। और जो भी क्वेश्चन मुझे याद आएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।